प्लीज एक्सेप्ट हम्बल ओबेसेंसेस विशिष्ट प्रॉपर सही वक्त कोई मेरा सादा नाम है। तो आज की हमारी जपा टॉक या 10 नाम अपराध की कक्षा या सीरीज जो कि चल रही है पिछले कुछ दिनों से, कल हम तीसरा और चौथा नाम अपराध लेना चाहते थे या सुनना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणवश केवल एक अपराध ही हम सुन पाए, तीसरे श्री गुरु की अवज्ञा। अब उससे आगे हम आज तीन अपराध बाकी के कवर करेंगे श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु के मुखारविंद से श्रवण करके। तो जैसे आप सब जानते हैं वेदांत चैतन्य प्रभु के लिए गुरु महाराज कहे ही कि इन्हें इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जी हमारे रेगुलर स्पीकर्स में से एक है जो जूम पे आके हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो वेदांत चैतन्य प्रभु फिर भी कुछ भक्तों की जानकारी के लिए प्रभु जी इस्कॉन नोएडा के और साथ ही में इस्कॉन पंडरपुर के भी सह अध्यक्ष के रूप में काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां और सेवाएं निभा रहे हैं, और साथ ही में गुरु महाराज जी के जोन में आरएसए के रूप में भी काफी महत्वपूर्ण सेवाएं और मैनेजमेंट की सेवाएं निभाते हैं। साथ ही में हमारे यूथ प्रीचिंग के लिए वे लीडर कह सकते हैं, या और जो अनुगत्य सिस्टम है पूरा काउंसलिंग काउंसलर सिस्टम जिसे अनुगत्य नाम दिया है, उसके भी वे एक प्रकार से वे लीड कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट। तो ऐसी काफी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभु जी निभाते हैं। कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग भी करते हैं नोएडा में और इत्यादि स्थानों पर पूरे NCR में। तो आज हमारा सौभाग्य है प्रभु जी का हमें संग प्राप्त हो रहा है। सभी भक्तों से अनुरोध है थोड़ा भी नाम जप को विराम दे दीजिए और वेदांत चैतन्य प्रभु से हम अनुरोध करेंगे इसके जपा टॉक प्रारंभ करें। हरे कृष्ण जी, बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज के श्री चरणों पर हमारी सादर धन्यवाद प्रणाम है। आप सभी भक्तों का भी ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाक चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेष शून्य बाधि पश्चात प्रदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल का दिन वैसा अमोघ लीला प्रभु तो तीसरा और चौथा नाम अपराध के विषय में कहना था, बट एक ही अपराध के विषय में चर्चा कर सके। तो आज हम प्रयास करेंगे कि चौथा पांचवा और छठवा तीन नाम अपराधों के विषय में चर्चा करने का, हालांकि एक एक नाम अपराध के विषय में ही बहुत विस्तार रूप से चर्चा होने, बट समय की सीमा होने के कारण हम संक्षिप्त में जितना हो सके हम चर्चा करेंगे चौथा पांचवा और छठवा नाम अपराध के विषय में। वैसा इन नाम अपराधों के विषय में गहराई में जानना बहुत बहुत अनिवार्य है, क्योंकि श्री चेतन चरतामृत के अंतर्गत इस प्रकार से कहा जाता है, बहु जन्म यदि कोरी श्रवण कीर्तन, अगर अनेक अनेक जन्मों तक भी अगर कोई श्रवण कीर्तन करे भी फिर भी तब ना पाएगे कृष्ण पदे प्रेम धन। भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति जो प्रेम धन को व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, मतलब अनेक जन्मों तक अगर श्रवण कीर्तन करे भी, मतलब अनेक जन्मों तक, मतलब एक दो साल नहीं, अनेक जन्मों तक 16 माला जप लगातार करे भी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण चरणों के प्रति रति या प्रेम उत्पन्न नहीं होगा करके यहाँ पर बोल्डली बताए जा रहे हैं। बोल्डली बताए जा रहे हैं ये तो मिलेगा ही नहीं, क्यों? जब तक व्यक्ति अपराध सहित करेगा तो अपराध युक्त नाम लेगा तो फिर बहुत जन्मों तक करें भी फिर भी नहीं प्राप्त होने वाली है। इसलिए एक साधक का जिम्मेदारी है अपराधों के विषय में जान के, अपराधों के विषय में समझकर अपराधों से बचते हुए हमें नाम लेना अनिवार्य है। इसलिए कहा जाता है अपराध शून्य होए लोहे कृष्ण ना, अपराध रहित नाम लेना अनिवार्य है। जब अपराध रहित नाम लेंगे तब जाकर आप नाम के प्रभाव की आस्वादन या अनुभूति आप अपना जप जप के अंतर्गत उस प्रकार की रुचि और निष्ठा आप अनुभव कर सकते हो। इसलिए इन अपराधों से बचकर हमें नाम लेना होगा। अगर अपराधों से बचकर नाम लेना है तो अपराध होता क्या है इसके विषय में समझना अनिवार्य है। अपराध
होता क्या है इसके विषय में समझकर इन अपराधों से बहुत ध्यान पूर्वक बचते हुए नाम लेना बहुत अनिवार्य है, तब जाकर उस नाम का प्रभाव हमारी जीवन में पड़ेगा। इसलिए इन अपराधों के विषय में हम समझने का प्रयास करें। आज चौथा, पांचवा और छठवां नाम अपराध चर्चा करेंगे। चौथा नाम अपराध है श्रुति शास्त्र निंदनम, शास्त्रों की निंदा करना, ये चौथा नाम अपराध है। देखिए, शास्त्रों को वांग्मय अवतार कहा जाता है, शास्त्रों को वांग्मय अवतार कहा जाता है, क्योंकि इसका मतलब भगवान का ही अवतार है। जिस प्रकार से हम कहते हैं, जैसा पद्म पुराण में भी कहा जाता है कि तदीय आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय आराधनम, आराधनाम सर्वेशां विष्णु आराधनम परम। उस श्लोक के अंतर्गत ये बात कहा जा रहे हैं, भगवान के आराधना से भी ऊपर है भगवान के संबंधित आराधना। बट वैसे जो शास्त्र केवल भगवान के संबंधित ही नहीं है बल्कि भगवान स्वयं भी है, इसलिए ये भी एक प्रकार के अवतार ही माना। जिस प्रकार से श्री विग्रह भगवान की अर्चा मूर्ति है, अर्चा मूर्ति है, ये भगवान से बिल्कुल अभिन्न है, वैसा नाम भी भगवान से अभिन्न है, उसी प्रकार से शास्त्र भी भगवान से अभिन्न है, शास्त्र भी भगवान से अभिन्न है। और वैसा शास्त्र जो कि भगवान की वांग्मय अवतार के रूप में माना जाता है, अगर उन शास्त्रों के प्रति अपराध करे देन फिर वो अपराध भगवान नाम के प्रति अपराध के रूप में गिना जाता है, क्योंकि क्योंकि इन सारे शास्त्रों के अंतर्गत केवल और केवल भगवान नाम की महिमा का ही उल्लेखन किया हुआ है। मतलब सारे वेद शास्त्रों का यही निचोड़ के रूप में बताया जाता है। जैसा कि श्रील मध्वाचार्य इस प्रकार से कहते हैं, वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तदा आदो अन्ते च मध्ये च हरो हरि सर्वत्र गीयते आदो अन्तो च मध्ये च। कोई भी सारे शास्त्रों का आदि में और अंत में और बीच में भी हर जगह हरि सर्वत्र गीयते, हर जगह भगवान श्री हरि का ही गुणगान हो रही है, वैसा भगवान नाम के ही विषय में हर जगह बताई जा रहे हैं। इसलिए जो शास्त्रों को बिल्कुल सार, जो शास्त्रों का जो मुख्य विषय है, जो भगवान के नाम, इसलिए अगर शास्त्रों के प्रति कोई अपराध करे देन भगवान के नाम के प्रति अपराध के रूप में स्वीकारा जाता है, बिकॉज शास्त्रों का सार है भगवान के नाम। एंड वैसा भगवद गीता में भी तो कहा ही जाता है ना, वेदेश्च सर्वे अहमेव विद्या, सारा वेद शास्त्रों के द्वारा समझने वाला विषय तो मैं ही हूँ, एंड और मैं ही हूँ मतलब भगवान और भगवान के नाम में कोई अनभिन्नता तो नहीं है। तो इसलिए जब शास्त्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि भगवान को ही समझना है, या अन्य वचनों में से भी कहा शास्त्रों के द्वारा भगवान नाम को ही समझना है, इसलिए भगवान नाम के प्रति अपराध के रूप में माना जाता है, अगर हम किसी भी प्रकार की शास्त्रों के प्रति अगर अपराध करें तो, शास्त्रों के प्रति अपराध करें तो। एंड फिर अभी शास्त्रों के प्रति अपराध व्यक्ति कैसे करता है इसके विषय में कहा जाता है कि ये वैसे दो प्रकार से किया जा सकता है। ये बात हम जो समझा रहे हैं तो आप समझना होगा कि इन दो प्रकार के अपराध करने से हमें बचते हुए हमें करनी होगी। लास्ट में हरिनाम चिंतामणि के अंतर्गत सारे अपराधों का बहुत ही विश्लेषणात्मक अध्ययन या प्रेजेंटेशन वहां पर भक्तिनाथ ठाकुर देते हैं, तो उसी के अंतर्गत ये भी बात कहा जाता है किस किस प्रकार से व्यक्ति शास्त्रों के प्रति अपराध करने लगता है। सबसे पहला शास्त्रों के प्रति अपराध, एक तो शास्त्रों की वचनों पे श्रद्धा नहीं रखना, शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं उन वचनों पे श्रद्धा नहीं रखने से भी शास्त्रों के प्रति अपराध होता है। एंड दूसरा, शास्त्रों का कुछ मनगणित रूप से
कुछ अर्थ निकालना, मन गणित रूप से कुछ अर्थ निकालना एंड उस अर्थ के ऊपर विश्वास रखना, तो ये दोनों ही शासन के प्रति अपराध के रूप में माना जाता है। तो पहला जो शास्त्रों के ऊपर विश्वास श्रद्धा ही नहीं रखना। देखिए भगवत गीता के अंतर्गत भी तो कहा जाता है ना, तीन प्रकार के अश्रद्धालुओं के विषय में चर्चा किया जाता है, अज्ञा अश्रद्धाना संशयात्मा, इन तीन प्रकार के लोगों के विषय में चर्चा किया जाता है। और वहां पर कहा जाता है कि इन तीनों में से जो अज्ञा व्यक्ति के व्यक्ति में ज्ञान भी नहीं है और विश्वास भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और विश्वास भी नहीं है, तो ये दोनों नहीं होने की वजह से फिर वो शास्त्रों के प्रति अपराध करता है। ज्ञान भी नहीं है, नो नॉलेज एंड नो फेथ, एंड दूसरा श्रद्धा, तो उस व्यक्ति में ज्ञान है बट उस ज्ञान पे श्रद्धा नहीं है उनकी, ज्ञान है बट ज्ञान पे श्रद्धा नहीं है उनका। पहले वाले को दोनों ही नहीं, ज्ञान भी नहीं श्रद्धा भी नहीं है, दूसरे जो अश्रद्धा दाना में उनमें थोड़ा ज्ञान ज्ञान तो है बट उस ज्ञान पे श्रद्धा नहीं है। जैसा कि एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि एक एक संस्कृत पीएचडी स्कॉलर था, उसने गोपी गीत के ऊपर उन्होंने पीएचडी किया, गोपी गीत के ऊपर उन्होंने पीएचडी किया, लगभग 5 साल उन्होंने केवल गोपी गीत के विषय में ही अध्ययन किए थे, और फिर उसके बाद अनेक सालों का उनके एक्सपीरियंस भी रहा। देन एक बार महाराज के पास आकर वो पूछ रहे थे कि आपके कृष्ण इस प्रकार से रासलीला क्यों करते हैं, तो फिर उसने समझा क्या गोपी गीत के विषय में, 5 साल अध्ययन कर लिया और उसके ऊपर थीसिस बना लिया, प्रेजेंटेशन दिया और अनेक प्रकार की चीजें की केवल इस विषय पे, एंड फिर फाइनली पूछ रहे कि ये व्यक्ति रासलीला करते क्यों, गोपियों के साथ इस प्रकार के संबंध रखते क्यों है, तो फिर उन्होंने समझा क्या 5 सालों में, तो इसका मतलब इस व्यक्ति को केवल वो ज्ञान है बट उस ज्ञान पे कोई श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है उनको, तो दिस पर्सन इज कमिटिंग एन ऑफेंस, ये व्यक्ति अपराध कर रहे हो उस शास्त्रों के प्रति, इसका अपराध कहा जाता है। एंड तीसरा है संशयात्मा, इस व्यक्ति को ज्ञान भी है और हल्का सा श्रद्धा भी है बट फिर भी ये डाउट करता रहता है, ठीक है आपकी बात तो ठीक लग रहे हैं बट मुझे नहीं लगता है कि मेरे ऊपर काम करेगी, मुझे नहीं लगता मेरे ऊपर काम करने वाली है, आपकी बात तो ठीक है कोई बात नहीं बट मेरे ऊपर काम करता है नहीं, उसके ऊपर डाउट लगता है उन्हें, तो ये तो संशय आत्मा है। एंड इन तीनों के विषय में कहा जाता है कि इन तीन में से किसी को ना इस जीवन में सुख मिलने वाली है, न इस जीवन में शांति मिलने वाली है, न इस जीवन में सिद्धि मिलने वाली है, न अगले में, सुख शांति और सिद्धि कुछ भी नहीं मिलने वाली इस जीवन में भी अगले जीवन में भी कभी नहीं, जब तक इनकी इसी प्रकार की परसेप्शन रहेगी, इसी प्रकार के दृष्टिकोण रहेगा शास्त्रों के प्रति। तो इस प्रकार से शास्त्रों के प्रति श्रद्धा नहीं रखना ये शास्त्रों के प्रति अपराध माना जाता है। देखिए अगर शास्त्रों के प्रति अगर श्रद्धा नहीं रखे तो आपको किस माध्यम से या किस प्रकार से भगवान के विषय में आध्यात्मिक विज्ञान कैसे प्राप्त हो सकेगी, भौतिक विज्ञान तो आप ठीक है 5 इंद्रियों के माध्यम से कुछ कुछ बातें आपको पता चलता है, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से उन बातों के द्वारा आपको कुछ तो ज्ञान मिल जाएगी, बट आध्यात्मिक सृष्टि के विषय में आध्यात्मिक चीजों के विषय में आप कैसे समझ पाएंगे, जैसे आत्मा के विषय में कोई माइक्रोस्कोप के द्वारा तो आप आत्मा को देख ही नहीं पाओगे, तो आत्मा के विषय में आप
उस प्रकार के एनालिसिस करके समझना भी मुश्किल है। अगर आध्यात्मिक सृष्टि के विषय में आप कौन सा टेलीस्कोप से आध्यात्मिक सृष्टि को देखकर आध्यात्मिक सृष्टि के विषय में पता लगा पाएंगे? इस भौतिक दुनिया के कुछ तारे वारे या ग्रह के विषय में तो आप टेलीस्कोप से देखकर थोड़ा बहुत आप विषय या ज्ञान आप संग्रहित कर पाओगे, बट आध्यात्मिक सृष्टि में कौन सा टेलीस्कोप भेजेंगे, कौन सा सैटेलाइट वहां भेज देंगे हम, है ना? तो हमारी जो कोई किसी भी प्रकार के मैकेनिकल अरेंजमेंट के द्वारा हमें ये भौतिक हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान के विषय में, आत्मा के विषय में, आध्यात्मिकता के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र यही आसरा है, यही तरीका है, शास्त्री है। अगर जो शास्त्री एकमात्र ऑप्शन है भगवान के विषय में या आध्यात्मिकता के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अगर उस पे भी अगर श्रद्धा नहीं रखे तो देन फिर बाढ़ में ही जाएंगे, देन फिर कोई ऑप्शन नहीं रहा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, फिर आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे भी क्या। इसलिए वैसा शास्त्र जो कि एकमात्र उपाय है भगवान के विषय में समझने का, तो वैसा शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा ही नहीं रखना शास्त्रों के प्रति अपराध माना जाता है। एंड दूसरा, शास्त्रों की वचनों को अपने मन गणित रूप से किसी भी प्रकार की अर्थ निकालना ये भी अपराध है। जैसा हरिनाम चिंतन में कहा जाता है, जैसा षड दर्शन जो चीर लोगों ने जो षड दर्शन को प्रस्तुत किया हुआ है, इस अरे लास्ट वेदांत जो व्यासदेव ने प्रपोज किया, उसको छोड़ बाकी सारे ये भी शास्त्रों के विपरीत है। उसी प्रकार से जो मायावाद शास्त्र भी है, जिस मायावाद शास्त्र के विषय में पद्म पुराण में कहा जाता है, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, मायावादम असत शास्त्रम, ये मायावाद जो है ये असत शास्त्र, ये सत शास्त्र नहीं है, ये सत शास्त्र नहीं है बल्कि असत शास्त्र है। एंड फिर ये असत शास्त्र किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, ये कवर्ड बुद्धिज्म है, प्रच्छन्न मतलब कवर्ड है, बुद्धिज्म कवर्ड बुद्धिज्म है, ये भी एक प्रकार के बुद्धिज्म ही है। बुद्धिज्म वैसा तो नास्तिक ही माना जाता है बिकॉज वो वेद शास्त्रों को ही नकार दिए हुए हैं, बुद्ध देव ने वेद शास्त्रों को ही नकार दिया हुआ है। इसलिए बुद्ध तो हम भगवान के रूप में पहचानते तो है, बट उनकी बात नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि बुद्ध भगवान होने के बावजूद भी उनको बात हम तभी मानेंगे जब वो शास्त्रों के अनुसार बताएंगे, शास्त्रों को मानेंगे ना। मतलब आप सोचिए, भगवान की भी बात भी नहीं मानेंगे अगर वो शास्त्रों की बात को ये दोहराएंगे नहीं तो, है ना। फिर बुद्ध भगवान भी शास्त्रों मतलब वेद शास्त्रों को नकार दिए हुए थे, इसलिए बुद्ध भगवान कई अवतार के होने के बाद भी उनकी बात हम नहीं मानते हैं। एंड इसलिए ये बौद्ध जो है ये नास्तिकवाद है। एंड फिर इसी नास्तिकता ही एक अलग रूप में शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया है मायावाद के अंतर्गत। इसलिए इस प्रकार से मायावाद के ऊपर श्रद्धा रखना, विश्वास रखना भी ये भी शास्त्रों के प्रति अपराध है। इस प्रकार की जो गलत फिलोसफीज है, गलत सिद्धांत है, इन सिद्धांतों के ऊपर विश्वास रखना, उस प्रकार की श्रद्धा के साथ नाम जप करना, ये नाम के प्रति अपराध है, ये नाम के प्रति अपराध है। यही हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं, है ना, इफ वन टेक्स होली नेम अलोंग विद दीज फिलोसफीज, अगर इन सिद्धांतों के सहित अगर कोई नाम ले रहे हैं देन फिर उन्हों नाम के प्रति अपराधी कर रहे हैं। एंड अभी प्रश्न ये आता है कि ये लोग गलत प्रकार से समझ क्यों रहे हैं। इसका एक मूल कारण हरिनाम चिंतन में बताया जाता है कि
indirect, because they try to take indirect meaning of the scriptures, because शास्त्रों का एक उल्टा अर्थ लेने का प्रयास करते हैं. सीधा अर्थ लिया जा सकता है, सीधा अर्थ लेने पे वैष्णव तरीके से हमें शास्त्र समझ आएगी, एंड उस प्रकार से समझने पे देन फिर उसकी प्रभाव बताया जाता है कि वन विल बी रिवार्डेड विद द स्वीटनेस ऑफ प्रेम, देन प्रेम उनके अंदर जागृत होने लगता है. उस प्रकार के शास्त्रों के अध्ययन हम उसकी सीधा अर्थ लेकर हम करें तो देन फिर वैसा शास्त्रों की अध्ययन से हमारे अंदर प्रेम जागृत होने लगता है. बट वही अगर उल्टे प्रकार से इनडायरेक्ट मीनिंग अगर हम लेने का प्रयास करें शास्त्रों का, देन फिर व्यक्ति बताया जाता है कि he cannot come to truth and dies of his offense to Krishna. वो कभी भी सच्चाई को नहीं जान पाएगा एंड वो सच्चाई को नहीं जान पाएगा एंड फिर वो अपने अपराध के कारण मर ही जाएगा एंड कभी भी सत्य सत्य को वो समझ नहीं पाएगा. उस प्रकार की प्रभाव इसकी पड़ सकता है व्यक्ति पे. एंड वैसे जब शास्त्र कहा जाता है, शास्त्र का मतलब है जो भी चार वेद है, 18 पुराण, 61 उपनिषद हो, तो उस प्रकार ये सारे मिलकर ये शास्त्र होता है, जो वैदिक शास्त्र है ना. इन शास्त्रों के प्रति कभी इस प्रकार के अपराध हमें नहीं करने चाहिए. एंड अगर अभी हम ये बात कहेंगे कि अगर किसी भी परिस्थिति में अगर हमारा शास्त्रों के प्रकार प्रति अगर अपराध हो गया है, देन फिर करे क्या करे, तो इसके विषय में आते हैं. पहले हमने समझा शास्त्रों की प्रति अपराध क्यों नहीं करना चाहिए, फिर उसके उपरांत हमने दूसरी बात हमने ये बात समझा शास्त्रों के प्रति अपराध होता क्या है, एंड अभी तीसरी बात हम समझने का प्रयास कर रहे हैं शास्त्रों के प्रति अपराध होने पे क्या करना है. ये तीन बातें अभी हम समझ रहे हैं. अभी तीसरी बात समझ रहे हैं शास्त्रों के प्रति अपराध होने पे हमें क्या करनी चाहिए. उसके विषय में कहा जा रहा है सबसे पहला हमें जब हमें पता चला है हमने शास्त्रों के प्रति अपराध किया है करके, एक व्यक्ति को सही में सच्चाई सच्ची हृदय से वो पश्चाताप करनी चाहिए. वन शुड रिपेंट, पश्चाताप करनी चाहिए कि हमसे शास्त्रों के प्रति अपराध हुआ है करके, भगवान के प्रति नाम के प्रति इस प्रकार के अपराध हुआ है करके पहले हमें पश्चाताप करनी चाहिए. एंड उसके साथ साथ हमें अपने अपराध को वरिष्ठ वैष्णवों के सामने हमें स्वीकार करनी चाहिए, कन्फेस करनी चाहिए कि हमसे ये अपराध हुआ है करके हमें स्वीकार करनी चाहिए वरिष्ठ वैष्णवों के सामने. ये दूसरा हमें करनी चाहिए. एंड तीसरा हमें जो श्रीमद् भागवतम जो कि सारा शास्त्रों का बिल्कुल सार के रूप में माना जाता है, जैसा निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखम कादमृत संयुतम कृपत भागवतम रसमालयम भुविरहो रसिका भुविभावुका. इसमें बताया जा रहा है निगम कल्पतरोर्गलितम फलम, ये भागवतम जो है सारे शास्त्रों का बिल्कुल सार है करके. और वैसा श्रीमद् भागवतम की नमस्कार या प्रणाम करनी चाहिए. तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं जब अपराध होने पे हमें क्या क्या करनी चाहिए, वो स्टेप्स बता रहे हैं. तीसरा हमें भागवतम को प्रणाम करनी चाहिए और भागवतम को हमें तुलसी और फूल अर्पण करनी चाहिए, एंड हो सके तो आरती भी किया जा सकता है भागवतम, श्रीमद् भागवतम की आरती भी किया जा सकता है. उस प्रकार से शास्त्रों भागवत की आराधना करनी चाहिए, भागवत की आराधना करनी चाहिए. तो ये तीन स्टेप्स बताया जाता है जब अगर कोई इस प्रकार से नाम भागवत के प्रति अगर कोई अपराध करे तो. एंड इस प्रकार से करने पे देन निश्चित भागवत की कृपा हमें प्राप्त होगा जिससे हम उस अपराध के प्रभाव से हम बच सकेंगे. इस प्रकार से ये चौथा नाम अपराध है. अभी पांचवा और छठवां नाम अपराध चर्चा करेंगे. पांचवा नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र की जपकी महिमा को काल्पनिक समझना.
हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना ये नाम के प्रति अपराध है। देखिए, हालांकि कर्म कांड शास्त्रों में वैसा तीन भाग है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। उसमें कर्म कांड सेक्शन के अंतर्गत विशेषतः अनेक प्रकार की अनुष्ठान, व्रत, विधियां इत्यादि बताया जाता है। आप ये करेंगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, आप ये करेंगे तो ये मिल जाएगी करके अनेक प्रकार की प्रलोभन हमें दिखाते हुए उस कार्य करने में हमें प्रोत्साहन दिया जाता है। वो कार्य करने का प्रोत्साहन हमें उस प्रलोभनों के माध्यम से हमें दिया जाता है। जब ये सारे कर्मकांड वगैरह पढ़कर अगर कोई जब भक्ति शास्त्रों के अध्ययन करने भी लगता है और नाम की महिमा के विषय में भी अध्ययन करने लगता है, उनको नाम को भी, नाम की नाम जब को भी, वो भी कर्मकांड को विधान के अंतर्गत ही एक विधान के रूप में स्वीकार करने लगता है। एंड फिर उनको लगता है कि जिस प्रकार से कर्मकांड की विधानों को हमसे करवाने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन दिया जाता है, उसी प्रकार से नाम लेने का भी प्रोत्साहन दिलाने के उद्देश्य से ही नाम के विषय में बहुत बड़ा चढ़ाकर हमें शास्त्र में बातें कही जा रही करके कई बार लोग सोचने लग जाते हैं। केवल नाम लेने में हमें मजबूर करने के लिए ही नाम की इतना बड़ा चढ़ाकर महिमाएं बताई जाता है। वैसे तो ये सारा सच नहीं है, केवल वैसे ही हमें कहा जा रहा है करके मानते हैं। बट बात यह है कि नाम के विषय में जितने भी बातें शास्त्रों के अंतर कहा जा रहा है उसमें तनिक मात्र भी एक लेश मात्र भी गलत नहीं है। ये केवल प्रलोभन नहीं है बल्कि परफेक्ट ट्रूथ है, परम सत्य है। इसमें तनिक मात्र में कोई रंज मात्र भी कोई गलत नहीं है या कोई बड़ा चढ़ा कर तो नहीं बोला जा रहा, बिल्कुल नाम के विषय में बताया जा रहा। बड़ा चढ़ा कर भी क्या, केवल नाम के विषय में एक अंदाजा ही दिलाया जा रहा है इतने सारे बातों के द्वारा भी, जिसको हम सोच रहे बड़ा चढ़ाकर नहीं बल्कि कम से ही बोल पा रहे हैं। क्योंकि वेद शास्त्रों के विषय में भी ब्रह्म संहिता में क्या कहा जाता है, वेदेश्च दुर्लभम अधुर्लभम आत्म भक्तौ। भगवान के विषय में समझ पाना वेद शास्त्रों को भी कठिन पड़ता है, भगवान को पकड़ पाना या वेद शास्त्रों का शब्दों को भी मुश्किल पड़ता है भगवान को पकड़ पाना, इतना आसान नहीं भगवान की महिमा को पूर्ण रूप से व्याख्यान कर पाना, ये वेद शास्त्रों के लिए भी संभव नहीं है। एक इंगित किया जा रहे हैं कि भगवान इतने महिमान्वित है बल्कि भगवान इससे भी कई गुना ज्यादा महिमान्वित है। एंड भगवान और भगवान के नाम में जब कोई भिन्नता नहीं है देन भगवान के नाम भी उतना महिमान्वित है जितना महिमा सारा शास्त्र मिलकर भी कहा नहीं पाई। केवल एक इंगित किया जा रहा है कि इतना इतना होता है करके, बट उससे भी कई गुना ज्यादा है महिमा भगवान नाम की। हम सोचते हैं कि उससे कम है, कम नहीं, उससे ज्यादा है। तो उस प्रकार के भगवान नाम की महिमा के विषय में जब शास्त्र में बताया जाता है कभी भी हमें उसे शंका नहीं करनी चाहिए, अनुमान नहीं करनी चाहिए इतना तो नहीं होगा, ये तो बहुत ज्यादा ही बढ़कर बोल रहे हैं। जैसा इसमें बताया जाता है ना भागवत में, अहो बत स्वपचो तो गरीयान स्वप अहप अहो बत स्वपचह, मतलब जो चंडाल है, जो कुत्ते की मांस खाने वाला, स्वपचह कुत्ते की मांस खाने वाला व्यक्ति को भी एक ब्राह्मण से भी बढ़कर माना जाएगा, ब्राह्मण से भी बढ़कर माना जाएगी। क्या करने से, या जिह्वा ग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसने अपने जिह्वा के अग्र भाग में भगवान नाम को धारण किया हुआ है, केवल भगवान के नाम का अपना जिह्वा के अग्र भाग में धारण करने मात्र से ही उस व्यक्ति को
हालांकि चंडाल परिवार में जन्म लिया हुआ है, बट फिर भी उस व्यक्ति को ब्राह्मण से भी बढ़कर माना जाता है, केवल नाम को धारण करने से। जब वैसे बातें सुनते लोगों को लगता है गुरु जी थोड़ा ज्यादा ही बोल रहे, हम ज्यादा नहीं बोल रहे ना शास्त्र ज्यादा बोल रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब भगवान अभिन्नत्वम नाम नाम, जब नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, देन जितना शक्ति भगवान की और जितना महिमा भगवान की है तो उतना ही तो नाम का भी तो होगा फिर। अगर उससे कम है तो फिर भगवान में और भगवान नाम में अंतर पड़ गया। फिर भगवान और भगवान के नाम में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब भगवान जितना शक्तिशाली है, जिस प्रकार से भगवान के विषय में कहते हैं ना सर्व कारण कारणम करके, उसी प्रकार से भगवान के नाम भी सर्व कारण कारणम है। उसी प्रकार से भगवान के नाम भी सर्व कारण कारणम है। ये बात क्लियरली लिखते हैं इस हरिनाम चिंता में, सर्व कारण कारणम है भगवान के नाम। उस प्रकार से भगवान में जितना शक्तियां है वो सारा शक्तियां भगवान के नाम में भी है, भगवान के नाम में भी है। जैसे कि वैसे तो कर्मकांड में भगवान ने अपने भौतिक शक्ति अर्पण करी है, बट ये जो नाम में तो भगवान ने अपने सारे ही शक्तियों का अर्पण किया हुआ है, सारे शक्तियों को अर्पण किया हुआ है। सारा शक्तियां इसलिए बताया शिक्षा में नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, अपना निजी सारे शक्तियों को भगवान ने, सारा ही शक्तियों को भगवान के नाम में अर्पण कर दिया हुआ है। इसलिए भगवान जितना शक्तिशाली है और जितना समर्थ है भगवान, उतने ही शक्तिशाली और समर्थ है ये भगवान के नाम भी, भगवान के नाम भी। और वैसा भगवान के नाम की महिमा को बड़ा चढ़ाकर बोल रहे करके मानना, ये बहुत बड़ा अपराध है नाम के प्रति। नाम के प्रति इस प्रकार से कभी नहीं सोचना है, कभी नहीं सोचना है। तो ये भी एक अपराध है। एंड आगे नाम, भगवान नाम के अर्थवाद की आरोप करना, अनेक प्रकार के अर्थ निकालना नाम का, कोई मन गणित रूप से कुछ अर्थ निकालना, ये भी नाम के प्रति अपराध है, ये भी नाम के प्रति अपराध है। देखिए हमें जब नाम को समझना होता है, हमें जिस प्रकार की टीकाएं हमारे आचार्यों ने दिया है उन्हीं टीकाओं के आधार पर ही नाम को समझना होगा। अपना कोई बुद्धि लगाकर उससे कुछ अर्थ नहीं निकालना है और उसके प्रभाव के विश्लेषण नहीं करना है कि ये इस प्रकार से कार्य करती है। एंड ये भी अपराध माना जाता है इसी कैटेगरी में, अगर इस नाम को कोई भौतिक शब्द मानकर कोई भौतिक शब्दों के प्रभाव से अगर उसकी तुलना करे, भौतिक शब्दों के प्रभाव से अगर उसकी तुलना करे, देन ये भी नाम के प्रति अपराध के रूप में माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसा कई बार लोगों को समझाने के लिए कई बार ये भी उपयोग किया जाता है कि जैसे म्यूजिक थेरेपी होता है जिसके अंतर्गत कई प्रकार के बीमारियों को अलग अलग प्रकार की आवाज सुनाकर उन्हें उनकी बीमारी ठीक किया जाता है, उनकी बीमारी ठीक किया जाता है कई प्रकार की म्यूजिक सुनाकर। अगर आपकी ये बीमारी है तो फिर ये म्यूजिक सुनाई जाएगी, इस प्रकार से सुनाई जाएगी, उस प्रकार से ना। तो फिर वहां पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से म्यूजिक सुनाकर ये हमारा बीमारियों को ठीक किया जा रहा है, उसी प्रकार से भगवान नाम का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जब इस प्रकार की कंपैरिजन किया जाता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना होगा कि ये भी एक दूसरी प्रकार की म्यूजिक नहीं है, ये कोई दूसरी प्रकार की म्यूजिक नहीं है जो कि कोई और बीमारी ठीक करने के लिए म्यूजिक डाला गया है, नहीं, कोई दूसरी प्रकार की म्यूजिक नहीं है, केवल एक एक्सप्लेनेशन के लिए, एक
हमें हमारे समझ के लिए इस प्रकार के उदाहरण कई बार उपयोग किया जाता है, बट हमें कभी नहीं सोचना है ये भी एक भौतिक प्रकार के शब्द है। नहीं, गोलोक एर प्रेम दान हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक की ध्वनि है, गोलोक की शब्द है, गोलोक की शब्द है ये भगवान के नाम, ये बिल्कुल दिव्य है, ये भौतिक शब्दों से बिल्कुल अलग है, कोई भौतिक शब्द नहीं है। ये जो म्यूजिक थेरेपी के अंदर में जो भी म्यूजिक वो सारा भौतिक है, बट ये तो कोई भौतिक नहीं है, बिल्कुल दिव्य है। इसलिए इस प्रकार मतलब इसलिए हमें ये डिफरेंस हमेशा अपने बुद्धि में धारण करके रखना है कि ऑल्दो हम इस प्रकार कई बार केवल लोगों को समझाने के तौर पर हम इस प्रकार की बातें करते भी है, बट हम बैक ऑफ द माइंड हमें ये अंडरस्टैंडिंग हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि ये बिल्कुल ये भौतिक है ही नहीं, बिल्कुल दिव्य है करके। दिव्य क्या होता है मैं आगे जाकर बताता हूँ। एंड उसी प्रकार से कई बार इस प्रकार का भी एक्सप्लेनेशन हम देते हैं प्रवचनों में या वैसा कि यस नाम लेने पे किस प्रकार से हमारे ब्रेन वेव्स में ब्रेन टिश्यूज में असर पड़ता है करके। देखिए केवल इसी प्रकार से ही केवल हमारे एक्सप्लेनेशन केवल इसी तक सीमित करना भी ये भी गलत हो जाएगी, इसी तक सीमित रखना भी गलत हो जाएगी। To explain the holy name as if it is a mundane sound, नाम को इस प्रकार से एक्सप्लेन करना जैसा कि वो एक साधारण शब्द ही है, साधारण भौतिक शब्द ही है, ये भी गलत है। इस प्रकार से केवल इसी तक हमें सीमित नहीं रखनी चाहिए, सीमित नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज इट इज रियली रियली ट्रांसेंडेंटल साउंड, दिव्य शब्द है ये साधारण नहीं है। क्योंकि अगर साधारण शब्द होते देन फिर भगवान से अभिन्न कैसे होगी ना, भगवान से अभिन्न कैसे होगी, ये साधारण नहीं है, बिल्कुल दिव्य है। इसको हमें केवल साधारण शब्द तक हमें सीमित नहीं रखनी चाहिए, केवल इस प्रकार ब्रेन वेव्स पे भी कुछ असर पड़ रहे हैं, नहीं इसके असर केवल वहां तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत बहुत ऊंचा गहराई तक असर है इसके। ऐसा तो समय नहीं है, सो लास्टली हम दिव्य क्या होता है हम बता दे रहे हैं, बट आप समाप्त करेंगे इस दिव्यता को हमें मन में धारण मतलब समझते हुए हमें नाम लेना चाहिए। एंड यही भक्तिनो ठाकुर भी कहते हैं कि जब नाम जप करते वक्त हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये शब्द साधारण नहीं है, भौतिक नहीं है, बिल्कुल दिव्य है, कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल कल की, इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें नाम जप करनी चाहिए। इसलिए नाम जप करने के दौरान मैकेनिकल तौर पर केवल सुनना सुनने से ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारी हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, नाम लेते वक्त हमारी क्या समझ है और किस समझ के साथ आप नाम ले रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको आपके ऊपर नाम के प्रभाव पड़ने वाली है, नाम के प्रभाव उस प्रकार से पड़ने वाली है। अगर नाम को एक भौतिक शब्द मानकर आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करें भी ना, फिर भी सुनाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है। आप सोच ही रहे हो तो बहुत एक शब्द है, एंड जिस प्रकार से एक रेगुलर मेडिटेशन प्रोसेस करते हैं लोग सोच रहे ये भी एक प्रकार की मेडिटेशन है, सिंपल एक ध्यान लगाने में बात है, एक साउंड है, साउंड प्रोड्यूस करा, अगर कोई और आकर कहते अरे इससे बेहतर है ये वाला म्यूजिक पे ध्यान लगाएंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगी करके, देन फिर उस पर चले जाएंगे लोग, ठीक है अब ये म्यूजिक चलाकर इसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, और किसी आकर कह दिया कि अरे ये बॉलीवुड सॉन्ग तो बहुत अच्छा काम करती है, देन फिर बॉलीवुड सॉन्ग पे ध्यान लगाने लग जाएंगे, बिकॉज उनको क्या है कि उनको क्या है फिर ध्यान ही लगाना है उनको तो, बट ये समझ ना हो कि दिस इज कम्प्लीटली ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल का मतलब ये होता है कि अभिन्नत्वम नाम अनामिनो, भगवान के नाम और भगवान इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार के समझ के समझ ही दिव्यता है, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है, नाम और नामी, नाम और भगवान ये दोनों अलग अलग नहीं है, द्वंद्व नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही है,
दोनों एक ही है, दोनों में कोई अलग नहीं। जैसे भौतिक भौतिक शब्द में और भौतिक वस्तु में अंतर होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, पानी और पानी, पानी शब्द और पानी वस्तु में अंतर है। पानी शब्द में, पानी वस्तु में अंतर होता है, बट एब्सोल्यूट वर्ल्ड में, एब्सोल्यूट नेचर, जिस जिसका भी एब्सोल्यूट नेचर होता है, उसमें द्वंद्व नहीं होता, उसमें डिफरेंस नहीं होता है नाम में और नामी में, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं होती। जैसा कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते, वो कहते हैं कि जिस प्रकार से अगर मैं पानी 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 कर कहूं तो मेरी प्यास नहीं बुझने वाली है, पानी पीऊंगा तो तभी मेरी प्यास बुझेगी। पानी शब्द उच्चारण करने मात्र से मुझे पानी का जो असर जो पड़ता है पानी पीने पे, उस प्रकार के असर केवल नाम लेने पे नहीं पड़ने वाली है, पानी का नाम लेने पे नहीं पड़ने वाली है। ये भौतिक वस्तु होने के नाते ये डिफरेंस है, पानी शब्द और पानी वस्तु में अंतर है। बट वही भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार की असर भगवान के संग में होने पे हमारे ऊपर पड़ता है, एग्जैक्टली उसी प्रकार के असर भगवान के नाम लेने पे भी हमारे ऊपर पड़ता है। भगवान के नाम लेने पे भी उसी प्रकार के असर हमारे ऊपर पड़ने लगता है। इसलिए इसी को दिव्यता, दिव्य दिव्य करके कहा जाता है। भगवान और भगवान के नाम कोई अंतर नहीं, बिकॉज भगवान ही भगवान के नाम है, भगवान के नाम ही भगवान है। इसलिए कहा जाता है ना, कलिकाले नाम रूप कृष्णावतार, कलिकाल में अपने नाम के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतार लिया हुआ है। इसलिए नाम अवतार भी कहा जाता है, नाम के रूप में नाम, नाम अवतार, शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन सारे शब्दों से हमें समझना चाहिए कि ये नाम और नाम दिव्य है, एंड इस प्रकार के दिव्य समझ कर हमें जप करनी चाहिए। अन्यथा कोई और अर्थ लेकर अगर हम कोई और अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर नाम जप करें, देन फिर हमारा हम नाम के प्रति अपराधी कर रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है नाम के संबंध में हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत क्लियर करना। इसलिए तत्व समझना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो हम ना चाहते हुए भी गलत गलत प्रकार की समझ के साथ जब हम नाम लेने लगेंगे तो नाम के प्रति हम अनेक प्रकार के अपराध कर रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा। हमसे अपराध हो रहे करके हमें पता भी नहीं चलेगा। एंड फिर कई सालों तक बहु जन्म यदि कोई श्रवण कितना अनेक अनेक जन्मों तक इस प्रकार से नाम लेने के बाद भी फिर असर नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमें इन तीन अपराधों से बचते हुए हम नाम ले, तीन ये नहीं दस हम अपराधों से बचते हुए नाम लेनी चाहिए। ये तीन अपराध क्या क्या है, कैसा होता है और अपराध करने से क्या करनी चाहिए हमने बताया। वैसे इस अगर हमारी हमसे अगर ये चौथा पांचवा या छठवा नाम अपराध होता है तब हमें क्या करनी चाहिए, ये संक्षिप्त बता देते हैं। इसमें भी मतलब ये कॉमन है, कोई भी अपराध करने भी ये सारे कॉमन है। एक तो सबसे पहले हमें पश्चाताप करनी चाहिए, हमने अपराध किया है करके हमें पहचान कर, हमें उस अपराध हमने किया है करके हमें पश्चाताप करनी चाहिए। पश्चाताप का मतलब केवल झूठे आंसू नहीं, पश्चाताप का मतलब है व्यक्ति बिल्कुल तैयार है दंड स्वीकार करने, दंड स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार है, इज रेडी टू टेक अप एनी सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट अगेंस्ट इट, कोई भी दंड लेने के लिए तैयार। एक तो उस प्रकार की पश्चाताप करनी चाहिए, एंड दूसरा वरिष्ठ वैष्णवों के सामने जाकर अपनी अपराध बताकर उनके सामने हमें कन्फेस करनी चाहिए, हम अपने अपराध को स्वीकार करनी चाहिए कि हमसे इस प्रकार के अपराध हो गया करके। एंड तीसरा ये भी कहा जाता है कि कंटिन्यूसली नाम लेनी चाहिए, कंटिन्यूसली नाम लेनी चाहिए, लगातार भगवान के नाम लेनी चाहिए, या कम से कम ज्यादा ज्यादा मात्रा में हमें जप करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र में भी कहा जाता है कि भूमिस्खलिता, अगर कोई व्यक्ति गिर कर भूमि पे गिर जाता है उसी भूमि का सहारा लेकर उठता है,
उसी प्रकार से अगर हमसे नाम अपराध भी होता है, उसी नाम के सहारा लेकर ही नाम अपराधों से बच सकते हैं, नाम अपराधों से बच सकते हैं। इसलिए उस नाम का हमें निरंतर जाप करनी चाहिए, वैसे निरंतर जाप करने से हम अपराध से बच सकते हैं। तो ये भी तीसरा पॉइंट है। तो ये तीन चीज करिए, और भी आगे कई सारे चीजें बताई जाता है, फिर आगे जो भी आगे की अपराधों के विषय में चर्चा करेंगे वो बाकी अन्य बातें बताएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, 4 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज प्रभु जी ने आज तीनों नाम अपराध और उन सब तीनों से लाइक नेगेटिव और पॉजिटिव अपराध नहीं करने हैं, और यदि होते हैं तो उसका प्रैक्टिकल निवारण या सॉल्यूशन भी हम सभी से शेयर किए। सभी भक्तों से अनुरोध है एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके, जो प्रभु जी ने अंत में पॉइंट कहा, बहुत ही सुंदर पॉइंट कहा कि जब हम नाम अपराध करते हैं तो नाम के सहारे ही बचते हैं, तो उसी नाम से हम प्रभु जी का भी आभार व्यक्त करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ अब आज के सत्र को हम यहीं विराम देंगे, और कल स्वयं गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हम इस नाम अपराध की सीरीज में आगे श्रवण करेंगे, आगे के अपराधों के विषय में। श्री हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।